कुंभ राशि 20 से 26 जुलाई 2021, 4 शुभ समाचार और 3 बुरी खबरें मिल सकती है। दोस्तों वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको पूरे साप्ताहिक राशिफल बताने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको कुछ शुभ समाचार बताने वाले हैं और कुछ बुरी खबरें बताने वाले हैं जो कि आपके जीवन में इन 7 दिनों में आ सकती हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही खास होने वाला है तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल पर नए हैं तो हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों साथ ही आपके लिए पिछले वाला दिन कैसा रहा वे भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा बेहतर भविष्य पल लाते रहे। तो बिना गवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन शुभ समाचारों के बारे में जो कि आपको इन सप्ताह में मिल सकते हैं। पहला है विद्यार्थियों के नाम है, जो कि पहला शुभ समाचार विद्यार्थियों के नाम है। जो विद्यार्थी सरकारी या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब के लिए आवेदन किया है उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। यह सबसे पहले शुभ समाचार जो कि विद्यार्थियों के नाम भरे हैं। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सरकारी हो या फिर प्राइवेट वहां पर आपने जॉब के लिए आवेदन किया है तो आपके लिए निश्चित तौर पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। दूसरा है जो लोग साड़ी का बिजनेस करते हैं, दोस्तों बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, साड़ी का बिजनेस, जिनका बिजनेस साड़ी से रिलेटेड है, साड़ी जो कि बिजनेस घरगुती हो सकता है या फिर आपका बड़ा जो भी शॉप भी हो सकता है, उसमें आपको भारी मुनाफा देखने को मिल सकता है। अगला है शिक्षक, बैंक कर्मचारी, मैकेनिक, खेती बाड़ी करने वाले लोग और इंजीनियर, इन लोगों को भी इन सप्ताहों में यानी कि इस सप्ताह में बहुत बड़ा जो कि मुनाफा देखने को मिल सकता है। यह मुनाफा पिछले 6 महीने से भी बहुत ही ज्यादा हो सकता है। और आखिरी जो शुभ समाचार ड्राइविंग एम्बुलेंस गाड़ी चलाने वाले लोग, टूर्स ट्रैवल्स रिक्शा और टैक्सी, इनके लिए बहुत ही खास रहने वाला है यह सप्ताह। इनको भी अच्छा खासा प्रॉफिट्स जो कि इस सप्ताह में देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर इस तरह के 4 शुभ समाचार इन लोगों में जो कि मिलने वाली है। अब बात करते हैं बुरी खबर किस तरह के आपको मिल सकती है उसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मौत की खबर। जी हाँ दोस्तों, किसी एक मौत की खबर आपको इस सप्ताह में मिल सकती है। यह मौत जो कि रिश्तेदार हो या फिर अपने आजू बाजू समाज में हो, जो कि आपके चाहने वाले हैं उनकी हो सकती है, यह खबर आपको मिल सकती है। अगला है शेयर मार्केट में लॉस। दोस्तों शेयर मार्केट में लॉस भी इस सप्ताह में आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन आप बेफिक्र रहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट किया है यह छोटा सा यानी कि लॉस आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको फायदा ही फायदा होगा। और तीसरा है समाज में मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी, यानी कि अगर आप इस सप्ताह में किसी सामाजिक कार्य में हिस्सा लेंगे तो अपना कार्य सोच समझ कर बहुत ही ध्यानपूर्वक करिएगा, वरना आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। दोस्तों बहुत कुछ आपके कंधों पर टिका हुआ है और फैसले लेने के लिए स्पष्ट सोच की जरूरी है। कोई लेनदार आपके दरवाजे पर आ सकता है और आपसे पैसा भी उधार मांग सकता है, उन्हें पैसे लौटाकर आप आर्थिक तंगी में आ सकते हैं। यानी कि कोई लेनदार जो कि आपको पहले से कुछ पैसा दिया है तो उसको आपने वापस नहीं किया है तो वह लेनदार पैसे लेने के लिए आ सकता है और आप उसे दे भी सकते हैं, लेकिन आगे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आर्थिक तंगी जैसी भी हो, आप कड़ी मेहनत करते रहे, पैसा बचाते रहे, फालतू के खर्चा ना करें। आपको सलाह दी जाती है कि उधार लेने से बचे, जिन्हें आप चाहते हैं उनके साथ उपहारों का लेन देन करने के लिए अच्छा दिन है। विवाह प्रस्ताव के लिए सही समय है क्योंकि आपका प्यार जीवन भर के साथ में बदल सकता है। समय का पहिया बहुत तेजी से चलता है, इसलिए आज से ही अपने कीमती समय का सही इस्तेमाल करना सीख ले। जी हाँ दोस्तों, जो समय रहता है हर एक सेकंड जो बीता है वो वापस दुनिया में वापस आपके जीवन में कभी भी नहीं आता, इसलिए अपने कीमती समय को बर्बाद करना बंद कीजिए, उसका सही इस्तेमाल करिए। जो भी अवसर आए उसे झट से चपट मिले और उस अवसर का सही से फायदा उठाए। पहले शादीशुदा जिंदगी इतनी अच्छी कभी नहीं रही, अब जो कि अच्छी रहने वाली है। काम की अधिकता आपको मानसिक रूप से
परेशान कर सकती हैं। हालांकि शाम के वक्त थोड़ी देर ध्यान करके आप अपनी ऊर्जा वापिस पा सकते हैं। दोस्तों, ध्यान से आपका मन जो कि हर वक्त सकारात्मक सोच में रहेगा, आपका मन चंचल नहीं होगा, तो इसलिए ध्यान भी अवश्य करते रहे। दोस्तों, धनराशि फल की बात करें तो आपके व्यावसायिक कौशल में तेजी आएगी और आप एक मजबूत भावना के साथ पेशेवर दौड़ में वापस स्थापित होंगे। आपको अपनी पद और आय को एक समान या बढ़ाने के अवसर प्राप्त होंगे और अभी तक आप अपने कार्य और पद की तुलना में काफी अल्प आय प्राप्त कर रहे थे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में संबंधित कार्य में अपने मित्रों और सहकर्मियों से सहायता मिल सकती है। आप उनको अपना आभार देना ना भूलें और बदले में आप भी समय पड़ने पर उनकी सहायता करें। धन एवं नकदी प्रवाह में सुधार आएगा। दोस्तों, अगर हम लव राशि फल की बात करें तो ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि आप बहुत रोमांटिक और भावनात्मक महसूस करेंगे। आप अभी तक प्यार के मामले में कोई भी जरूरत होने पर केवल बोलकर ही काम चलाते रहे हैं, लेकिन अब आप इन जरूरतों के लिए खुद को दिल से समर्पित करने के लिए तैयार हैं। कुछ करने के लिए आपकी यह दिली पुकार आपको बहुत महत्वपूर्ण समय पर समझ आई है और अगर आप अपने प्रेम संबंध को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको बिना देर के गंभीर होकर जाना चाहिए। दोस्तों, अगर हम स्वास्थ्य राशि फल की बात करें तो आप एक साथ काफी कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं और अब इसका बुरा प्रभाव आपकी सेहत पर दिखना भी शुरू हो जाएगा। लगातार रातों को देर तक काम करते रहने से आप काम पर पूरा ध्यान नहीं लगा पाएंगे। इसका आपके स्वास्थ्य तथा करियर दोनों पर ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आपको स्वास्थ्यकर आदतें अपनाने की और अधिक ध्यान देना पड़ेगा। बहुत अच्छी नींद भी लेने की कोशिश भी करनी होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं आखिर में आपको कौन से बातों का ध्यान रखना होगा उसके बारे में। आपको काफी समय से चल रही बीमारी से छुटकारा मिल सकता है और अगर आप लोन लेने वाले थे और काफी दिनों से इस काम में लगे थे तो आपको लोन भी मिल सकता है। ना सिर्फ अजनबियों से बल्कि दोस्तों से सावधान रहने की जरूरत भी है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ अभद्र व्यवहार ना करें। अपना समय और ऊर्जा दूसरों की मदद करने में लगाएं, लेकिन ऐसे मामलों में पड़ने से बचें जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। ज्यादा खर्चे की वजह से जीवन साथी से खटपट हो सकती है। जीवन में सरलता तभी रहती है जब आपका व्यवहार सरल रहता है। आपको भी अपने व्यवहार में सरलता लाने की जरूरत है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आपका साप्ताहिक राशि पर रहने वाला है। वीडियो अगर आपको सच में अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।